इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। भूचाल इस हद तक है कि इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से बेदखल कर दिया गया है। 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव कर विपक्ष ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान को जिस तरह से विपक्ष ने यॉर्कर डाल सियासी पारी में क्लीन बोल्ड किया है, इसी यॉर्कर से इमरान खान क्रिकेट के पिच पर बड़े से बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजते थे। इसी के साथ ही इमरान ने ये भी साबित कर दिया कि वो निजी जिंदगी से लेकर क्रिकेट और राजनीति तक के माहिर खिलाड़ी हैं। आइए जानते हैं उनके निजी जिंदगी के बारे में। कोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान खान नहीं मानते टायरियन खान वाइट को बेटी। इमरान खान की निजी जिंदगी काफी रोचक रही है। साल 1987-88 में पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी इमरान खान मैच के सिलसिले में इंग्लैंड दौरे पर गए थे। यहां उनकी मुलाकात लंदन के ओक स्ट्रीट नाइट क्लब में सीता वाइट से हुई। सीता पहले से ही शादीशुदा थी, वो इटली की रहने वाली थी। इसी मुलाकात के बाद इमरान और सीता को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय तक अफेयर भी चला, लेकिन कुछ समय बाद इमरान और सीता अलग हो गए। आपको बता दें कि इमरान खान और सीता को आखिरी बार साल 1991 में एक साथ देखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी मुलाकात में सीता ने इमरान खान को बताया था कि वो माँ बनने वाली हैं। इमरान खान बेटा चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीता की जांच कराई और जांच रिपोर्ट उनके मन मुताबिक नहीं थी। रिपोर्ट में पता चला कि सीता के गर्भ में बेटी निकल रही है, जिसके बाद इमरान खान ने सीता से अबॉर्शन कराने के लिए दबाव डाला, लेकिन इमरान के दबाव का सीता पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सीता अबॉर्शन कराने को राजी नहीं हुई। सीता के अबॉर्शन नहीं कराने पर इमरान खान सीता को छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद सीता ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सीता ने टायरियन खान वाइट रखा। आपको बता दें कि इमरान खान ने बेटी को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद सीता ने कानून का सहारा लिया और सीता को न्याय भी मिला। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने इमरान खान को टायरियन खान वाइट का पिता घोषित कर दिया, लेकिन इमरान खान अब भी टायरियन को अपनी बेटी नहीं मानते। इमरान खान ने की थी 3 शादियां। इसके बाद साल 1995 में इमरान खान गर्लफ्रेंड सीता और बेटी टायरियन को छोड़कर 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के अरबपति जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जैमिमा से पहली शादी की। जैमिमा साल 2004 तक इमरान खान के साथ रही, दोनों को तलाक हो गया। फिर 2015 में इमरान खान ने रहम खान से दूसरी शादी की। इमरान खान की ये शादी 9 महीने तक ही चल पाई। इमरान और रहम का भी 9 महीने बाद तलाक हो गया। साल 2018 में इमरान खान ने बुशरा बीबी से तीसरी शादी की, दोनों की शादी अभी भी चल रही है। इसके बाद से ही इमरान खान राजनीति में भी पकड़ मजबूत करने लगे और साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और 9 अप्रैल के विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव कर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इमरान खान के क्रिकेट करियर की बात करें तो साल 1971 में इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए पहला मैच खेला था। इमरान खान ने 263 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। इस दौरान उनके बल्ले से 7,516 रन निकले, साथ ही 554 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए। इतना ही नहीं, इमरान खान ने 79 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान टीम की अगुवाई की। साल 1992 में अपनी कप्तानी में इमरान खान ने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में विश्व विजेता भी बनाया था।